रिपीटर्स ग्रुप से जस्ट नंबर 22 थे और 27 थे, सो हाँ 22 रिकमेंडेड था हाँ और वो फिर से रिकमेंड हो गया हम लोग के साथ। सो 27 वाला इतना क्यूरियस बंदा, इतना एनर्जेटिक और ओवर एनर्जेटिक, ग्रुप में उसका कोई आइडिया सुन नहीं रहा था। तो हाँ उसने क्या किया कि जस्ट नंबर 22 फट्टा लेके पीछे खड़ा था, हाँ तो वो बोल रहा है उससे, उससे पास गया, उससे बोल रहा है हट बेंचो फट्टा दे, और वो फट्टा लेके साइड से निकल गया आगे। मतलब पूरा ग्रुप लेफ्ट से जा रहा है, वो अकेला बंदा राइट से जा रहा है फट्टा लेके। और लाइक उसने इतना तेज बोला ना कि हम लोग का ऑब्स्टिकल मतलब पीजीटी मतलब दूर था काफी, एटलीस्ट 100 मीटर दूर होगा हाँ उन लोग के पीजीटी से। हम हाँ लोग का आवाज आई थी कि किसी ने बहन जो बोला है वहां अरे यार पे, नेक्स्ट लेवल था वो बंदा। और वो इतना एनर्जेटिक था ना कि हम जैसे कि हमसे पहले जो SSBs थे मतलब 34 हो गया, 18 हो गया, हम लोग 11 से हुए थे। सो उसमें जो बच्चे थे ना, कोई बच्चा सो रहा है, आया है जीटीओ देख के सोया हुआ है चुपचाप, वो जाके सबको उठा दे और उससे नोट डाउन पूछवा के, नोट डाउन करे कि इंटरव्यूअर ने क्या पूछा, जीटीओ ने क्या पूछा, क्या क्या हुआ, वो लिटरली सब नोट डाउन करे और जाए हर एसएसबी घूम घूम के सबसे पूछे। वो एट द एंड नहीं हुआ उसका, ऑफ मतलब मे कोर्स। भी वो साल जरा मतलब हाँ कुछ गलती की होगी उसने, हाँ जो भी हो। हाँ सो वो एक फन पार्ट था, एक फन पार्ट था हमारा। तू चलता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस अकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद वन एंड ऑल, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आर कन्वर्सेशन विद कैंडिडेट गोविंदा, हु इज सून गोइंग टू बिकम कैडेट गोविंदा। गोविंदा भाई, पहले दिन पे बुलाएंगे तेरे को, डोंट वरी। फर्स्ट पार्ट में वी डैड डिस्कवर्ड हाउ टू प्रिपेयर फॉर साइकोलॉजी पार्ट एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द गेम्स पार्ट। अगर गेम्स तुम नहीं खेलते हो SSB में, देन हाउ शुड यू गो अबाउट इट, और ऑल्सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द SSB विदाउट कोचिंग, जस्ट लाइक गोविंदा डिड। सो गोविंदा यार, पिछली वीडियो में बड़ी सीरियस बात हो गई, इस वीडियो में थोड़ा रिलैक्स करेंगे और बस तू हमको एंटरटेन करते रहे जैसे तू हमको करता है। एंड जस्ट टेल अस, जो यू हैड सम स्टोरीज यू वॉन्टेड टू शेयर रिगार्डिंग योर SSB, तो वो बता यार। लाइक SSB तो मतलब वो डिफरेंट लेवल मजा है, वहां पे कुछ इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं, शेयर नहीं भी कर सकते हैं। कर यार, तू कर यार, ये वीडियो सो सिर्फ हम दोनों के लिए। जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, हमारा कमांड टास्क चल रहा था, ठीक हाँ है। तो मैं चेस्ट नंबर 5 था ओके हाँ और एक चेस्ट नंबर 2 था, जहां तक मुझे याद है ही हाँ वाज चेस्ट नंबर 2। हाँ उसने कमांड टास्क के लिए हमें एज अ सबॉर्डिनेट बुलाया, ओके जिसमें से मैं एक बंदा था। ओके सो जिसने भी SSB की मैंने जानकारी रखी होगी, कमांड टास्क इज लाइक एक वाइट लाइन होती है, ओके, और उसके पीछे सपोर्टिंग मटेरियल्स होते हैं यस और उसके आगे ऑब्स्टिकल्स होते हैं। यस तो सपोर्टिंग मटेरियल में बहुत ही फेमस चीज होती है वे फट्टा, प्लैंक, ओके। हाँ और जनरली प्लैंक जमीन पे नहीं रखते हैं, प्लैंक दो ईंटों के ऊपर रखते हैं ताकि प्लैंक जमीन से टच ना हो, हाँ ताकि वो खराब ना हो जल्दी, हाँ ऐसा होता है। तो हम लोग कमांड टास्क में थे, हम लोग बीच में फंसे हुए हैं। जो हमारा कमांडर था वो कमांड टास्क बहुत ही ईजी था, मतलब लिटरली आप फट्टा रखो, फिर आगे फट्टा रखो, आगे बढ़ जाओ, सिम एज सिंपल एज दैट। सो हमारा कमांडर पूछ रहा है सर से, सर कैन आई यूज दिस ईटा, ईटा मतलब वो ईटा रखा हाँ हुआ ईट, था अरे वो यार प्लैंक रखने के लिए, एंड ही वाज आस्किंग दैट सर कैन आई यूज दिस ईटा एज अ सपोर्टिंग मटेरियल। हाँ और मैं खड़ा हूँ बीच में, जीटीओ मेरे सामने,
मैं हंस दिया और लिटरली बहुत ही और मेरी फट गई। मेरी अंदर ही अंदर लगा कि यार मैंने क्या कर दिया, मेरा कमांडर है भले कितना भी बेवकूफ वाला जवाब देना हो, एटलीस्ट हंसना नहीं चाहिए था। और मैंने मैंने गलती से हंस दिया और फिर मैंने अपनी मुंडी ऊपर कर ली, लाइक मैंने पीछे मुड़ भी गया कि बस वो मेरी पीठ देखे, मेरे चेहरा ना देखे, क्योंकि मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। फिर जब मैंने देखा अपने दूसरे से, वो जो मेरा पार्टनर था सबॉर्डिनेट में, वो भी हंस रहा था तो मैंने बोला यार ठीक है अब नॉर्मल अब है। और उसी का सेम कांड, नॉर्मल सो कमा वो जीटीओ ऑफिसर सेड कि कमांडर योर सपोर्टर्स आर स्ट्रक इन द मिडिल, ओके एंड यू आर मतलब आप स्टार्टिंग लाइन पे हो, अब आप बीच में कैसे आओगे। सो ही सेड कि अच्छा, तो देयर इज इनफिनिटी रूल कि आप या तो आगे बढ़ो, अब ये हाँ नहीं कि आप साइड से पीछे साइड आके से, वापस यस जाओ ऐसे, यस यस नहीं दैट इज इनफिनिटी, मतलब वो ऐसे से पूरा इनफिनिटी चल रहा है। यस सो ही सेड कि सर कैन दे कम फ्रॉम साइड हेल्प मी गो अहेड एंड दे कैन अगेन गो बैक टू देयर पोजीशन। और इस पे मैं फिर हंस दिया तो लिटरली एक तो मुझे कमांड टास्क में उतने बंदे बुलाए नहीं, क्योंकि अरे हमारे में एक सैनिक स्कूल का बंदा था, यार सैनिक स्कूल का अकेला बंदा था सैनिक स्कूल का, हाँ और उसने बोल के रखा था कि मुझे गांठ बांधनी आती है रोप में, नॉट बांधने। उसके लिए एटमोस्ट रिस्पेक्ट, जो बंदा जाए उसको बुला ले कि हाँ भाई आएगा बहुत हेल्प करेगा, और बंदा हेल्प कर भी रहा था ठीक ओके है, और रिकमेंड बाकी हुआ सारे बच्चों को चांस मिली ही नहीं। हाँ रिकमेंड नहीं रिकमेंड हुआ, अरे मेरे ग्रुप में 9 बंदे थे, मैं अकेला रिकमेंड हुआ, सर नॉट बांधने के लिए सबने जबकि बोला मेरा रिकमेंड ही नहीं हुआ। हाँ सब उसको बुला के नॉट बंधवा रहे हैं उससे, हाँ और बंदा अच्छा था, ओके जेन्युइनली अच्छा था, देन इट इज गुड। और हम लोग की बारी ही नहीं आई, कमांड टास्क में हम लोग कोई बुलाया ही नहीं। तो मेरे को 2 बंदे बुलाए थे जिसमें से एक बंदा वो था, मैंने हाँ बोला यार एक बंदा बुलाया है मुझे और मैंने इसमें भी गोबर कर दिया अबे यार तो मेरा हो गया। और ऐसे एक और कांड था, मेरे को बुलाया उसने कमांडर, मैंने हाँ अपना प्रॉप अप देखा, उसने मैंने बोला कि यार कमांड टास्क के क्या है कर ही लेंगे, तो मैंने अपना प्रॉप देखा ही नहीं अच्छे से। उसने बोला कि लुक एट योर प्रॉप, हैव अ लुक, मैंने ऐसे मुंडी दिखाई, यस सर आई हैव, टू नाउ कॉल योर सबॉर्डिनेट्स। तो मैंने फिर उसको बुला दिया सैनिक स्कूल वाले को, मैंने हाँ भी उसको ही बुलाया हाँ कि आ जाए, आएगा भाई गांठ वाट बांधेगा अच्छे से, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये हाँ नहीं कि हम पीछे फंसे, गांठ ही नहीं बांध पा रहा है कोई। हाँ और जब आ गया मैंने अपने उठाए मटेरियल्स, तो उसमें से उसमें रस्सी नहीं है, अबे यार बिना रस्सी के उसमें कमांड टास्क दे दिया था ना उसने। हाँ हाँ उसमें रस्सी नहीं थी, हाँ एक फट्टा ऑप्टिकल। था और हाँ 2 छोटी छोटी बल्ली थी, और अबे बल्ली इतनी यार फालतू की कि वो कहीं बल्ली फंसी नहीं रही है, मतलब एक पाइप टाइप का होता है उसमें आप बल्ली ऐसे डाल सकते हो, हाँ डाल वो बल्ली सकते इतनी हो। मोटी कि उसमें जा ही नहीं रही है। तो अबे यार मैं बोला यार इसको, मैं फिर क्लियर एक तो कैसे इसको बुला किया। लिया मैं क्लियर, अरे मैं आगे तो बढ़ के आ रही, हाँ फिर बीच में आके मैं फंस गया ठीक ओके है, तो मैं 2 मिनट वहीं फंसा हुआ हूँ, तो कमांडर मुझे, वो जीटीओ मुझे चिल्ला के बोल रहा है कि कमांडर व्हाट आर यू डूइंग, यू आर वेस्टिंग टाइम, लुक एट योर सबॉर्डिनेट्स, यू आर हर्टिंग देम, ओके। सो मुझसे चिल्लाया वो 1 मिनट मेरे ऊपर, उसको लगा कि मेरे को डिप्रेस कर देगा चिल्ला के, उसको हाँ पता नहीं था मैं कितना बड़ा बेशरम हूँ, दैट्स उसका मुझे असर ही नहीं हुआ मैं बिकॉज़ यू आर फ्रॉम उसको एपीएस मुस्कुरा ना। मैं उसको मुस्कुरा के वापस बोल रहा हूँ, यस सर आई एम गोइंग, वेट अ मिनट वेट अ मिनट। तो फिर एक आइडिया क्लिक किया, हल्का मुल्का फस फस के निकल गया आगे, तो हो गया वो क्लियर। सही है और गुड हमारे मतलब हमारा ग्रुप थर्ड था एक, वो रिपीटर्स का ठीक ओके हाँ है, सो रिपीटर्स ग्रुप से जस्ट हाँ नंबर 22 थे और 27 थे, सो हाँ 22 रिकमेंडेड था हाँ और वो फिर से रिकमेंड हो गया हम लोग के साथ। सो 27 वाला इतना क्यूरियस बंदा, इतना एनर्जेटिक और ओवर एनर्जेटिक, ग्रुप में उसका कोई आइडिया सुन नहीं रहा था, तो हाँ उसने क्या किया कि जस्ट नंबर 22 फट्टा लेके पीछे खड़ा था, हाँ तो वो बोल रहा है उससे, उससे पास गया, उससे बोल रहा है अरे मैं फट्टा दे, और वो फट्टा लेके साइड से निकल गया आगे, मतलब पूरा ग्रुप लेफ्ट से जा रहा है, वो अकेला बंदा राइट से जा रहा है फट्टा लेके, और लाइक उसने इतना तेज बोला ना कि हम लोग का ऑब्स्टिकल मतलब पीजीटी हाँ मतलब दूर था काफी, एटलीस्ट 100 मीटर दूर होगा हाँ उन लोग के पीजीटी से, हम हाँ लोग का आवाज आई थी कि किसी ने बेंचो बोला है वहां अबे यार पे, नेक्स्ट लेवल था वो बंदा, और वो इतना एनर्जेटिक था ना कि
कि हम जैसे कि हमसे पहले जो SSBs थे, मतलब 34 हो गया, 18 हो गया, हम लोग 11 से हुए थे। हाँ सो उसमें जो बच्चे थे ना, कोई बच्चा सो रहा है, आया है GTO, देखो सोया हुआ है चुपचाप, वो जाके सबको उठा दे और उससे नोट डाउन पूछा, नोट डाउन करे कि इंटरव्यूअर ने क्या पूछा, GTO ने क्या पूछा, क्या क्या हुआ, वो लिटरली सब नोट डाउन करे और जाए हर SSB में घूम घूम के सबसे पूछे। वो एट द एंड नहीं हुआ उसका, ऑफ मतलब कोर्स मे भी वो साल जरा, मतलब हाँ कुछ गलती की होगी उसने, हाँ जो भी हो। हाँ सो वो एक फन पार्ट था। एक फन पार्ट था हमारा GOR में ग्रुप ऑब्स्टिकल, हमारे में एक 6 फीट का बंदा था, हम लोग उसके भरोसे थे कि ये बंदा हम लोग को वॉल कोर्स वॉल डकाएगा। हाँ हाँ, और क्योंकि हम लोग थे भाई, मतलब उतना 6 फीट तो नहीं है हम लोग, हाँ सो हम लोग को वॉल डकाएगा। एट द एंड उससे वॉल वॉल पकड़ के उठ भी नहीं पा रहा है खुद से वो। हम लोग झटके में, यार अब क्या करें। तो जस्ट नंबर 6 था मेरे साथ, मतलब बहुत ही अच्छा बंदा, टोटली मतलब डिजर्विंग था वो। अब मे भी उसने कुछ गलती कर दी हो, नहीं हुआ रिकमेंड। सो हम लोग क्या कहें कि हम लोग सबको उठा के ऊपर फेंकें। हाँ सो ऊपर फेंकें, अब चल रहा है चल रहा है। सो उस आदमी को भी हम लोग ऊपर खींचे किसी तरह कि आ हाँ जाओ ऊपर। फिर हाँ एक होता है उस इसमें ना कि दो वॉल्स होंगे और बीच में बल्ली से वो बल्ली कनेक्टेड से होंगी, यस उसके ऊपर चलना होता है, यू हैव टू यस बैलेंस एंड वॉक। यस ओके, सो वो एक बार चढ़ा गिर गया, उसको फिर चढ़ाने में ना बहुत दिक्कत हुई। तो हाँ हमने क्या किया कि मैं ऊपर था, मैंने उसको बोला कि ले भाई एक हाथ ले ले एंड वी विल बैलेंस एंड हम लोग चलेंगे आराम से। वो गया, दो कदम आगे बढ़ा, उसका बैलेंस फिर से बिगड़ गया, वो गिरने वाला था। ये नहीं कि मेरा हाथ छोड़ दे, उसने मुझे पकड़ के और तेज खींच दिया तो ये फेल डाउन और मैं फ्रॉम द लिटरली वॉल अपने पीठ, अरे मैं लिटरली, वो तो अपने घुटने के बल पे गिरा, मैं लिटरली अपने पीठ के बल ऐसे गिरा एकदम। शिट और एवरीवन वाज लाइक कि गया ये, चेस्ट नंबर 5 रेस्ट इन पीस हो गए। हाँ, रेस्ट इन पीसेस वो बहुत ही ड्रामेटिक फॉल था वो, मतलब लिटरली शिट मैं अपने पीठ के बल गिरा है ना मैं ऐसे, और मतलब बाय गॉड ग्रेस वहां पे नीचे थोड़ा सा भगवान की दुआ से SSB वालों की क्रिया क्रम था कि वो लोग ने बालू बिछा रखा था तो मैं उस पे गिरा। सो उतना मतलब झटका नहीं लगा, और ये भी नहीं कि वो गिरा, उसने मुझे गिराया, नॉट टू बी फ्रेम्ड, मतलब गलती थी, गलती हो गलती गई, ठीक है, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है सबका। तो ये नहीं कि मुझे उठा दे वापस, एटलीस्ट नहीं, वो वापस चला गया, मैं पड़ा हुआ हूँ जमीन पे। पड़ा हुआ है। अबे भाई आ जाएगा भाई रिलैक्स हाँ, मार वो उसको लगा मैं कैप्टन अमेरिका हूँ, कहीं से भी गिरूंगा वापस उठ के आ जाऊंगा। अच्छा फिर उसको वॉल तीसरी बार चढ़ाई अरे वो तीसरी बार में भी चढ़ा चढ़ पाया, फिर उसको 4-5 बार लगा उसको चढ़ने में। हाँ शिट है वो, फिर मतलब आई थिंक वो क्रॉस किया भी नहीं, उसको नीचे से क्रॉस करा है कि आ भाई तू नीचे से क्रॉस कर ले, जीटीओ ने बोला होगा ना हम एंड लोग में कि भाई ऊपर तू छोड़ दे। GT। हाँ, वो हम लोग बहुत पीछे चल रहे थे ना, GTO ने हाँ बोला भी तो चार कि पांच ओके को जेंटलमैन ऑल ऑफ यू हैव क्रॉस्ड द ऑब्स्टिकल नाउ मूव हाँ अहेड। सो ये था। फिर हमारा जैसे कि हमारे में एक दोस्त था मेरा, तुषार तलहन करके, ओके हाँ मस्त बंदा, मतलब हाँ लिटरली मस्त बंदा। हाँ उसने मुझे सुनाया था कि क्या हुआ कि वो लोग अपने SSD में सो रहे थे, तो हाँ उठाने को बोले कि हाँ हाँ मतलब 4 बजे को उठा देगा, क्योंकि हाँ SSD में उठना भी अपने आप में एक टैलेंट है, ठीक अच्छा है, क्योंकि जनरली सिविल में लोग उठते ही हैं हाँ 9-10 बजे, जनरली हाँ और जब से स्कूल्स बंद हुए हैं तब से तो पूछना ही नहीं है कुछ। सो SSB में उठना ठीक है। अब क्या हुआ, उस बंदे ने टाइम गलत देखा और उठा दिया वो सबको, आई थिंक 2 बजे के 3 बजे। बस वो जो बैक फायर हुआ ना बंदे के ऊपर, मतलब वो बंदा अपना उठा, उसको लगा कि यार टाइम हो चुका है, वहां पे होती भी है वो एनालॉग वॉच, उसको लगा कि घड़ी 4 बज रहे हैं, उठा देता हूँ सबको। उसने उठा दिया, लाइट ऑन कर दिया, और जब सब उठे, जब रियलाइज हुआ कि यार अभी तो चला के बहुत भाई टाइम है, उठा दिया हम लोग को ये, हाँ तो बढ़िया वाला बैक फायर हुआ, इमेजिन कर लीजिए क्या हुआ होगा। ये एक था, और इंसिडेंट तो अलग ही अलग थे, मतलब वो डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मतलब जाना, लाइक माइंडेड बंदों से मिलना, इतने अच्छे हाँ अच्छे बंदे होते हैं, दोस्त बनना, हाँ और वो टेबल टेनिस फूसबॉल खेलते रहना। हाँ एक तो हम लोग गए तो हम लोग को कुछ इशू ही नहीं हुआ, हमारे हाँ में टेबल टेनिस था जिसमें कुछ है ही नहीं, बस वो टेबल टेनिस का टेबल पड़ा हुआ है। हमारे में वॉलीबॉल वॉलीबॉल इशू करे नहीं हम लोग को, हाँ हमारे हम
एनसीओ से बोले तो वो बोले कि कोई थापा करके है उनसे इशू कराओ, थापा हाँ से बोले तो बोले एनसीओ से इशू कराओ। हाँ हम लोग इसी में 4 दिन बिता दिए अपना। अबे हम लोग यार, जाके फिर दूसरे एसएसबी से बॉल उठा के लाए, अबे यार और भाई सही। गॉड्स ग्रेस हमारी एसएसबी लास्ट थी, मतलब हमारा इलाहाबाद का लास्ट बैच था। जो बाय द डे हम लोग पहुंचे डे 2 डे 3 में आधी एसएसबी खाली हो चुकी थी। हाँ सो सारे एसएसबी बंद, तो बस हम लोग खाली बैठे हुए वहां पे। वॉलीबॉल मिल जाए, बास्केटबॉल, हम लोग वॉलीबॉल से फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल से कुछ और ही खेल रहे हैं, जो मिल जाए बस खेलने को चाहिए हम लोग को। बेसिकली वही जो हर एपीएस में सो होता है। एपीएस, एपीएस तो है नहीं मेरे बढ़िया भाई, अच्छा एपीएस में क्या होता है, क्योंकि एपीएस। मैं भी थ्रू आउट एपीएस में पढ़ा हूँ, एपीएस में ना कोई हाँ बॉल ना कोई नेट ना कुछ नहीं, और जिस दिन इंस्पेक्शन है, जिस दिन आना है मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने, अरे उस दिन पूरा स्कूल ब्रांड न्यू, नया नेट, नया रिंग, नई बॉल्स यार, बास्केटबॉल। मतलब हम तो पहले वो बॉटल में पत्थर डाल के फुट बॉटल खेलते अरे भैया, मतलब आपने लिटरली वो पॉइंट हिट किया है। मतलब हमारे स्कूल में भी, हमारे एपीएस में भी भाड़ हाँ भाड़ में गया मेंटेनेंस, हाँ कोई भी आरएन इंस्पेक्शन के लिए तो लिटरली पूरा स्कूल पेंट होके नया हो जाए, सही में यार, एकदम ऐसा लगता जैसे है, कि कोई। मतलब ये क्या हुआ हाँ स्कूल को, ये तो ये कब हुआ, ये भी था हमारे पास, ये बताया नहीं है तुम लोगों ने। और जैसे कि नेट्स वेट्स हमारे में थे, हाँ नेट्स हाँ थे, बैडमिंटन कोर्ट था, वॉलीबॉल कोर्ट था, बस मिलता नहीं था हम लोग हाँ को मिलता नहीं था। अच्छा ये भी होता है गेम्स पीरियड फिर, के नाम। हाँ नेट जैसे ही वो चला जाता है, फिर जैसे ही हो जाता है ना कि उसकी इंस्पेक्शन खत्म, सब गायब, सारे वो नेट्स अंदर, सारे बॉल अंदर, सारे अंदर, एकदम लॉकर रूम में छुपा दो उसको, मतलब और वापस से स्कूल और वो नॉर्मल। वो एक टैलेंट है यार एपीएस का ना, ये टैलेंट है मतलब ये। हाँ टोटली वो, और जैसे आप लोग ना पत्थर डाल के बोलने वाला, हम क्या हाँ करते थे क्लास आई थिंक 6th 7th में, हाँ पत्थर से ना हमारा बास्केटबॉल कोर्ट था, कोर्ट हाँ बास्केटबॉल का, हाँ हम लोग उसमें पत्थर से फुटबॉल खेले। देखिए होता ना टाइल्स, टाइल्स ले लें या मार्बल हाँ ले लें, तो उससे हम लोग फुटब�ॉल खेलते थे, यार ये जो और मैं था बढ़िया गोल के। बड़े स्कूल वाले देख रहे हैं ना, ये नहीं समझेंगे, ये तो सिर्फ वो नहीं समझेंगे, समझेंगे ये समझेंगे वो केवी और एपीएस बस। और ये एपीएस भी वो टोटली वाले नहीं, दिल्ली लखनऊ, नहीं, एपीएस मतलब नहीं। बबीना, झांसी, लालगढ़ जट्टा, हाँ गोपालपुर, पटियाला, मतलब जो थोड़ी सेकंड क्लास वाली जो सिटीज होती है ना एपीएस की, हाँ वही समझेगी ये लोग, ये अंदर इंसाइडर इसका जोक है ये। आफ्टर इंसिडेंट सुनिए इसका। हम लोग हाँ फुटबॉल खेले पत्थर से, तो हाँ हमारे जो पीटीआई सर थे वो ना बहुत उस पर गुस्सा करें वो, हाँ कि अच्छी बात नहीं है ये फलाना ढेका ना, तो हम लोग को बहुत हाँ वार्न किए, पर हम लोग एज यूजल जिद्दी बेसर, कोई फर्क ही ना पड़े हम लोग और खेलें। तो एक बार ना हम लोग लंच में खेलते थे, तो ओके लंच के बाद वाला पीरियड उनका सब्स्टिट्यूशन हो गया, हम लोग लंच में जैसे वो आ रहे थे हम लोग भाग के भागे अपनी क्लास में। हाँ वी वर लाइक कि यार पीटीआई सर पकड़ नहीं पाए हम लोग को, वी हाँ आर ऑल, हम लोग सेफ हैं। हाँ वो क्लास में आ गए, सारे हाँ बंदों को बाहर निकाले, बाहर हाँ निकाल के मुर्गा बनाए, हाँ मुर्गा बना के लिटरली 40 मिनट का पीरियड था वो, हाँ नेक्स्ट राउंड मतलब बढ़िया से रगड़े हम लोग को वो, हाँ बढ़िया रगड़े, मतलब इतना बढ़िया रगड़े कि उसके बाद फिर खड़े होने का मन नहीं कर रहा था। और मतलब मैं क्या बताऊं, मैं ना फुटबॉल मतलब उस टाइम पे मैं छुट्टी के बाद फुटबॉल खेलता था हाँ नॉर्मल ऐसे ही। सो मुझे मतलब ऐसा लेट ना हो तो मैं फुल पैंट पहनू अपने स्कूल के पैंट, उसके अंदर हाँ ही हाफ पैंट पहनता था, हाँ मतलब नेचुरली, हाँ नॉर्मल, काइंड ऑफ की बस चेंज करने में, हाँ चेंज करने में टाइम हाँ वेस्ट होता है वो, हाँ फालतू का टाइम, इतना तो ना टाइम है मेरे पास, हाँ बिजी आदमी। वही यार एपीएस वाला स्टैंडर्ड। हाँ स्टैंडर्ड, अरे हाँ सब यही करते हैं। तभी तो हुआ। वो लेयर थी जो मुझे प्रोटेक्ट की, जो हाँ डैमेज कम हुआ थोड़ा सा, वरना वो डैमेज बढ़िया था हम लोग का। एपीएस का तो है ये, मतलब हाँ मान लो कि आपको वॉलीबॉल कोर्ट होगा पर वॉलीबॉल मिलेगा नहीं, और हाँ जो होता है ना कि स्पोर्ट्स में क्यों नहीं अच्छा थे, हाँ उसका एक मेन रीजन ये भी है। अच्छा हमारी मेरे ओलंपिक गोल्ड को सबको इंसिडेंट याद चाहिए, है। लेकिन हाँ स्कूल में गेम्स कोई नहीं करवाता है, अजीब है यार टोटली हमारा भैया देश, टोटली, सही जैसे में। कि हमारी हमारी कबड्डी की टीम थी, हाँ हम लोग बहुत ही बढ़िया थे, मतलब मैंने बताया था कबड्डी में मतलब खेल लेता हूँ मैं, काम लायक हाँ खेल लेता बताया हूँ। लाइफ टोर्मिया। सो हाँ सो हमारी टीम बहुत ही बढ़िया थी, मतलब अगर वो जाती तो अच्छा करके आती सीबीएसई में, स्कूल ने भेजा ही नहीं।
मतलब टीम बन गई, हमारी प्रैक्टिस हो गई 1 महीने, आधे बच्चों का घुटना छिल गया प्रैक्टिस कर करके, किसी की कमर छिल गई है, इंजरी हो चुकी है। अब हम लोग प्रैक्टिस ना रिलीजियसली करते थे यार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आधे बच्चे इंजर्ड हो चुके हैं। और नाउ अब फिर उसमें क्या आया बाद में कि नहीं आप लोग को हम लोग नहीं भेज रहे हैं, एज सिंपल आंसर। मतलब वो इतना एक था ना कि दिल टूट तो गया कलेजे के, हाँ, मोर देन अ ब्रेकअप। क्योंकि ये या भाई 1 महीने वर्क या हार्ड स्कूल है। के बाद, हाँ हाँ, वो बहुत खराब आई लगता है कैन कि अगर आप अंडरस्टैंड। तैयारी कर रहे हो और फिर भी आप ना जाओ तो बहुत वो होता है और एक्सपीरियंस। बट ओके था वो, मतलब ऐसा भी कुछ खास नहीं था। एकेडमी और में ना यार गोविंदा बड़े आते हैं, हाँ कुचिंदा हाँ एकेडमी में बहुत धुरंधर आते हैं, एक से एक। कोई गेम बॉल पकड़नी भी नहीं आती उनको, फुटबॉल लात मारनी भी नहीं आती उनको, समझ रहे। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, उनको लात मारना सिखाते हैं पहले दिन पे, कि बॉल को ऐसे लात मारते, हॉकी स्टिक कैसे पकड़ते, तो उस लेवल तक जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ना ऐसा है कि बस वो जो सिखाने का जो तरीका है, वो जूनियर टर्म्स में ना दैट इज़ लाइक 5 मिनट सीखो, फिर तुम नेचुरली 5 मिनट में तो कोई गेम पकड़ोगे नहीं, फिर 5 मिनट हाँ कार्रवाई ऊपर नीचे आगे पीछे हवा में, ठीक है। तो और तुम्हें डाल देंगे क्योंकि तुम बिगिनर हो फोर्थ फिफ्थ स्ट्रिंग में, तो यू विल कीप ऑन रनिंग, कीप ऑन रोलिंग, और तुम वो रोलिंग करते करते जूनियर टर्म्स में थोड़ा खेलोगे, फिर फिफ्थ सिक्स टर्म में तुम थोड़ा सीनियर हो जाओगे, तो यू विल स्टार्ट टेकिंग दैट इनिशिएटिव कि मैं अब टीम का कैप्टन हूँ और मेरे को गेम सीखना है, तो फिर यू विल योर सेल्फ गो, यू विल स्टार्ट लर्निंग। और फिर जब IMA जाते हैं, तो फिर IMA में तो कोई सीनियर जूनियर कोई तंग ही नहीं करता है, बिकॉज यू नो IMA इज़ लाइक अ वेकेशन फॉर एक्स एंड डीएस। तो यू जस्ट हैव टू, यू नो यू वुड हैव एम्पल ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम देयर, यू जस्ट हैव टू यू नो वर्क ऑन एनी ऑफ योर वीकनेसेस रिलेटेड बी स्टडीज, PT या स्विमिंग या गेम्स, ड्रिल, तो जो भी तुम्हारी वीकनेसेस, तुम खुद ही, तुम्हारे पास इतना टाइम होता है वहाँ पे। वहाँ पे स्क्वाडन स्पिरिट नहीं है जैसे NDA में, NDA को स्क्वाडन स्पिरिट ड्राइव करता है, क्योंकि सीनियर को होता है ना कि मेरी स्क्वाडन फर्स्ट आनी चाहिए, तो वो थोड़ा और बम्बू देता हाँ है। लेकिन IMA में वैसा नहीं है, IMA में XNDAs अपॉइंटमेंट्स हैं, और उनके मन में है कि मेरा स्क्वाडन ही ग्रेट है, बट अब वो स्क्वाडन में तो है नहीं, है कंपनी में, तो वो नेचुरली थोड़ा मोटिवेशन कम हो जाता है, सो इसलिए यू गेट दैट थोड़ा लीवे। IMA में टफ है ड्रिल उस्ताद, और जो वहाँ का थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू NDA, बट NDA की रूटीन ज़्यादा टफर है, ये दोनों में गैप है। तो बस तू जाएगा NDA, सो ट्राई टू लर्न एज फास्ट एज यू कैन स्पोर्ट्स एंड ऑल ना। फर्स्ट टर्म में अगर ड्रिल साहब सिखाते तुम्हारे PT उस्ताद, तो सीखो। अगर तुम्हारा कोई हाँ सीनियर सिखाता है, तो डोंट लूज दैट डोंट लूज दैट यू नो टाइम, बिकॉज वो 5-6 मिनट सिखाएगा तुम्हारा सीनियर, तुम्हें बस वही टाइम में पकड़ने का। उसके बाद सारा घूम रहा है दुनिया आसपास, तू भी घूम रहा है, दुनिया भी घूम रही है, समझ रहा है, सब घूम रहा है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। और बाकी वेरी नाइस टॉकिंग टू यू गोविंदा, बड़ा मज़ा आया यार मेरे को सही में। मतलब आर्यन के बाद तो मतलब सब ही मज़ा आता है, लेकिन आर्यन का इंटरव्यू था उसमें आई हैड लोड्स ऑफ फन, बिकॉज उसने हंसा हंसा के मार दिया मेरे को। और सेम तेरा भी, जो ऑफ द रिकॉर्ड हमने बात की और जो ऑन द रिकॉर्ड बात की, दोनों वॉज वेरी एंटरटेनिंग, सो थैंक यू एक वेरी हंसाने मच। वाली बात पे भैया, एक हंसाने वाली बात पे याद है भैया, बता दे रहा हूँ एक बार कि इंटरव्यूअर था मेरा, ठीक है, उसने मेरा रिकॉर्ड देखा कि यू आर गुड इन एकेडमिक्स, ओके फ्रॉम स्टार्टिंग, बट तूने 11th 12th में अपना तबला, और ये ऑप्शनल तबला क्यों लिया? ठीक हाँ है, मेरा ऑप्शनल तबला था, ओके ठीक है, दोज वर इन CBSE, उन्हें आइडिया होगा कि फोर आइडिया कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और फिर या एक पांचवा ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल या मेरा तबला था जो मुझे आता ही नहीं है, ठीक है। और इंटरव्यू ने पूछा मुझसे कि तबला क्यों लिया, मतलब कोई पैशन होगा या फिर तू अच्छा कर रहा था, व्हाई नॉट आईपी, कंप्यूटर रिलेटेड, ओके व्हाई नॉट दैट। सो मैंने बोला सर कि मेरे स्कूल में दो ऑप्शनल थे, वोकल और तबला, ठीक है। तबले में सीट्स लिमिटेड थी, सो व्हाट दे डिड कि ना, उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस किया कि तबले में सीट्स लिमिटेड है, सो वी नीड ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो उन्होंने कैसे सेलेक्ट कैसे किया, सबसे गाना गवाया उन्होंने, ठीक अबे यार है, और जो खराब गाना गा रहे थे उनको तबले में डाल दिया, जो अच्छा गा रहे थे उनको वोकल दे दिया। अबे और मैं था यार बंदा खराब गाना गाने वाला, मुझसे टीचर ने 3 बार रिटेक लिया, एक बार फिर से ट्राई कर, फिर से ट्राई कर। मैंने 3ों बार खराब गाया और मुझे तबला मिल गया। और बाय गॉड्स ग्रेस
जैसे कि हमारे दोस्त थे ना, मतलब हम लोग 3-4 दोस्त थे, तो हम लोग को था कि ये सिलेक्शन हो रहा है तबले के लिए, तो उनको भी तबला चाहिए था। तो हमने प्लान बनाया कि हम लोग मिलकर खराब गाना गाएंगे, ठीक है, ताकि तबला मिल जाए। उन्होंने अपने हिसाब से खराब गाना गाया, फिर उनको वोकल मिल गया। मैंने अपने हिसाब से अच्छा गाया, फिर मुझे तबला मिल गया। और तो इस पे इंटरव्यू लगा हंसने, बोल रहा है मतलब तू खराब गाना गाता है। मैं बोल रहा हूँ बहुत खराब। सो उस पे वो ले लिया मेरी। और जो आप पूछ रहे थे वो गोविंदा नाम वाला, वो तो नेक्स्ट लेवल। मेरे से जीटीओ पूछे, इंटरव्यूअर पूछे, जो कमांडेंट, इनफैक्ट हमारा कॉन्फ्रेंस था, कमांडेंट सर ने मुझसे सवाल पूछे, मतलब हार्डली 2 मिनट तक। इसमें से यही था कि वाई गोविंदा, ओके, योर पेरेंट्स आर फैन ऑफ बॉलीवुड? सो आई सेड नो सर, सो वाई गोविंदा? तो मैंने कहा सर बेसिकली दे वांटेड टू कीप नेम फ्रॉम जी, एंड लाइक उनका कोई नाम होना चाहिए था कि गॉड बेस्ड, सो व्हाट दे फाइंड मोस्ट सुटेबल कि गोविंदा इज अ परफेक्ट नेम, ओके, बेस्ड ऑन लॉर्ड कृष्णा। बस यही आंसर मैं बोल बोल के थक गया। जीटीओ को बोल रहा हूँ, इंटरव्यूअर को बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। जीटीओ तो मेरा पीछे पड़ गया गर्लफ्रेंड के ऊपर। अच्छा मेरा इंटरव्यू ओवर हुआ, मैंने उसने इंटरव्यू ने पूछा ही नहीं गर्लफ्रेंड के ऊपर। मैं शांत कि यार ऑकवर्ड नहीं हुआ मैं, क्योंकि मैं हूँ मतलब लिटरली नेक्स्ट लेवल, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, तो मैंने बोला इंटरव्यू ने पूछा ही नहीं, मैं बच गया। जीटीओ से आया, जीटीओ पूछा है सो गोविंदा यू लुक वेरी डैशिंग, सो यू मस्ट बी हैविंग अ गर्लफ्रेंड। टांग खींचते हैं मैंने बोला भाई वो टांग खींचते हैं वो सब, लोग। मैं गधे की शक्ल वाला। मैं बोल रहा हूँ नहीं सर आई डोंट हैव। तो उसने बोल रहा है क्यों? मैं बोला सर बेसिकली मैं टाइम टेबल उतना निकाल नहीं पाया, ठीक है, आई वॉज वेरी बिजी, मतलब कभी मैंने उतना टाइम निकाला नहीं। वो अलग ही ज्ञान दे रहा है मुझे, बोल रहा है कि ऐसे कैसे चलेगा, मान ले कल तेरी शादी हो गई, तेरी बीवी आ गई, तो उसको भी टाइम देगा, वो भी तेरे को छोड़ के चली जाएगी, तो तू कैसे सबको रोकेगा अपनी लाइफ में? मैं बोल रहा हूँ ये कहाँ जा रहा है भाई, गर्लफ्रेंड बनी नहीं है, बीवी पे जा रहा है ये मेरे। तो उसने मुझे 2 मिनट ज्ञान दिया, बोला कि ऐसे ऐसे क्या करेगा, मतलब कि सब तेरे को छोड़ के चले जाएंगे, तू टाइम नहीं निकाल पाता है। सो आई सेड, उसने पूछा कि तू क्या करेगा? मैंने बोला आई विल मैनेज, और फिर हंस दिया मैं। मेरी स्माइल देख के वो लगा हंसने मेरे ऊपर। उसको भी लगा कि नहीं भाई ये बंदा ढीठ तो है। तो सही है, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। बढ़िया था। सही है। अरे मैं टोटली मैं बता रहा हूँ, अगर चेहरे पे कॉन्फिडेंस और स्माइल है ना, सो लिटरली आप कुछ भी कर सकते हो। आई टोल्ड टेल माई स्माइल इज मोस्ट स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो थिंग। कि स्माइल हाँ तुम्हारा एक ब्रह्मास्त्र हाँ है जो तुम यूज़ कर सकते हो, तो स्माइल ब्रह्मास्त्र है मारो वो। एकदम। सो थैंक यू गोविंदा फॉर कमिंग एज अ गेस्ट ऑन अ शो। आई हैड लोड्स ऑफ फन एंड आई एम श्योर कि आर व्यूअर्स हैव लर्न समथिंग फ्रॉम यू। सो थैंक यू वेरी मच। और बाकी फिर एनडीए से तू आएगा तो मेरे को बताना और अपने स्क्वाडन का नाम बताना, मैं तेरे नाम की सुपारी भेजूंगा CSM अरे को। मेरी मेरी भी आप ही बचा रहो, ठीक है, मुझे इंडिया मिला तो मैं फिर आप ही को फोन करूंगा। चल ठीक है, डन, ऑल द बेस्ट, बाय।